हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? वो अच्छे से होंगे, है ना? तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी, और हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला, है ना? जो आज हम पढ़ेंगे प से मा तक, ठीक है? फाइव फाइव अक्षर रोज हम लेते हैं, तो आज हम लेंगे प से मा तक। ओके, तो सबसे पहले इधर देखिए, ये क्या बनी है? पतंग, है ना? काइट, जो आप सबको मजा आती है उड़ाने में और आपको पता भी है ना? और ये बने हैं फल, फ्रूट्स। ओके, और ये बनी है बतख, और ये है भगत, मतलब जैसे पुजारी होते हैं मंदिर में जो पूजा करते हैं। एंड ये बना है मछली, ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे पतंग, मतलब प से पतंग। प कैसे बनाए? तो आपको मालूम है, जैसे कि हमारी जो हिंदी की कॉपी होती है या हिंदी की बुक होती है, वो कितनी लाइंस की होती है? फाइव, राइट? तो हमें थ्री लाइन्स में लिखना होता है बीच की। तो यहाँ डॉट लगाए जैसे, अब हमें बनाना है प से पतंग, ठीक है? तो हम पहले ऐसे हाफ सर्कल बोल लीजिए बनाएंगे, और उस पे एक स्टैंडिंग लाइन ऐसे लाइन खींच देंगे टी जैसी। तो ये बन गया प, ठीक है? फिर से बताती हूँ मैं। मान लो आपने एक स्टैंडिंग लाइन खींच दी और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया ऐसे, एक आधा यू बना के जैसे, ठीक है? तो प बन गया। अब हम बनाएंगे फ, फ से फल। अगर आपको प बनाना आ गया है, तो पहले आप आधा यू बनाइए। पहले आपने यू बना लिया, फिर एक सीधी लाइन खींच ली, तो ये आपका बन गया प, ठीक है? और इसी लाइन से आपने नीचे एक ऐसे बना लिया, आधा यू समझ लो, उल्टा यू, तो ये बन गया फ, ठीक है? फ से फल। फिर से देखिए, पहले मैंने यू बनाया, एक सीधी लाइन खींची, फिर उल्टा यू बना दिया, तो बन गया प से फल, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे ब से बतख, ब। तो पहले तो हम टी बनाएंगे, बन गया हमारा टी। ओके, फिर बीच में हम ऐसे करके सर्कल बना देंगे, और इसमें बीच में एक लाइन ऐसे खींच देंगे क्रॉस, तो ये बन गया हमारा ब, ठीक है? तो जैसे कि हमने क्या बनाया, पहले टी बनाया, फिर इसी लाइन पे हमने एक सर्कल बनाया और उस पर लाइन खींच दी, तो बन गया हमारा ब, राइट? अब भ से भगत। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आप कोशिश करेंगे बन जाएंगे। हमने ग से सीखा है ना, बनाना। अब हमें यहाँ से एक छोटा सा पहले सर्कल बनाना है, उस सर्कल से नीचे आना है, फिर यहाँ पर एक सर्कल बनाना है और इधर ले जाना है और एक लाइन खींचनी है, ये बन गया हमारा भा। और भा के ऊपर पूरी छत नहीं आती, जैसे धा के ऊपर नहीं आती है, वैसी भा के ऊपर पूरी छत नहीं आती है, ठीक है? तो फिर से बना के बता रही हूँ। पहले एक छोटा सा सर्कल बनाया, हम नीचे आए, एक और सर्कल ऐसे घुमाया और एक लाइन खींच दी और इसकी छत हटा दी, भा, ठीक है? अब अगर हमें भा बनाना आ गया या ग बनाना आ गया, तो हम माँ से मछली, मतलब माँ बना लेंगे। मान लो पहले मैंने ग बनाया, अब इस लाइन को मैं यहाँ से जोड़ दूंगी ऐसे टी से, तो ये बन गया माँ से मछली। पहले आप ग बना लो, ठीक है? अब इन दोनों लाइन को जोड़ लो, तो ये बन गया माँ से मछली, ठीक है? तो आज हमने सीखा प से पतंग, फ से फल, प से बतख, भ से भगत और म से मछली, ठीक है? अब आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।